हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से अर्थ टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 14 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 4.5% की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 311.40 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक ने नीचे में एक डबल बॉटम बनाया है 260 रुपीज पर। 260 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाएगा और यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनाने के बाद स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ऊपर में जो अब इस स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है वो 345 रुपीज पर आएगा, क्योंकि 345 रुपीज के पास थोड़े टाइम कंसोलिडेट किया था स्टॉक, वहां पर स्टॉक के अंदर एक बाइंग जोन देखने को मिल रही थी। पर जैसे ही स्टॉक ने 345 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया, वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी करेक्शन आती हुई नजर आई। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में अराउंड 300 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 345 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर स्टॉक 300 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक में एक साइकोलॉजी तौर पर भी देखें तो एक गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि 300 रुपीज एक दिमाग के नजरिए से भी देखते हैं तो हमें एक सपोर्ट लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट देता है और 300 रुपीज के प्राइस से जब तक ऊपर रहता है स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।